विवान, विवान ये तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा परिवार है, हटाओ ये बंदूक। नहीं, आज मैं तुम दोनों को मार के रहूंगा। विवान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है और मैं पागल हो गया हूँ। मुझे अपना बदला लेना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं विवान, नहीं। विवान की बंदूक लीला। फना हुए सूरज चकोर। कामयाब हुआ इमली का प्लान। थम गई सूरज चकोर की उड़ान। जी हाँ, ये है उड़ान का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ आज विवान ने अपने भाई सूरज और अपनी सबसे अच्छी दोस्त चकोर को मौत की घाट उतार दिया है। नहीं सोचना, और नहीं सोचने का वक्त है हमारे पास। तुम दोनों को मारने की सिवा सूरज और चकोर को मैं कह सकती हूँ कि बेहोश करके बांध के यहाँ तक लेके आया हूँ, और उसके बाद दोनों को गोली मार दी और दोनों मर गए। असल में इमली ने विवान के सामने शर्त रखी है कि अगर वो सूरज चकोर को मार देगा तो वो उसके सामने आ जाएगी। बस फिर क्या था, विवान ने भी सूरज चकोर पर तान दी बंदूक। हालांकि चकोर ने विवान को सानवी का वास्ता तक दिया, लेकिन विवान ने उसकी एक ना सुनी। विवान, सानवी के बारे में सोचो। अगर तुमने हमें मार दिया तो सानवी अनाथ हो जाएगी, हमारी बच्ची अनाथ हो जाएगी। सानवी के बारे में सोचो। नहीं, सानवी को संभाल लेंगे, मगर तुम दोनों का मरना बहुत जरूरी है। इस वक्त विवान का एजेंडा जो है वो ये है कि उससे मिलना है जिसने इतने टाइम से परेशान किया है, अपना बदला लेना है। इसलिए उसको बाकी चीज़ें शायद दिखाई नहीं दे रही हैं। सानवी को लेके एक थोड़ा सा है उसको कनेक्शन, तो वो भी वो बोलती है कि सानवी का क्या होगा, तो उसको मैं संभाल लूँगा, लेकिन तुम लोगों को मरना होगा। हमें पता था बुराई का अंत इतनी आसानी से नहीं होगा। इसी मौके के तलाश में थी मैं चकोर, दो बहनें होंगी आमने सामने लेकर सबसे बड़ी चुनौती। क्या वाकई विवान ने सूरज चकोर को मार दिया है, या फिर तीनों ने मिलकर इमली को अपने जाल में फंसाने के लिए कोई नया प्लान बनाया है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लतिका पंडित, मुंबई, आज तक।